दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जीशान मोनिटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने वाली हूँ आपको पता चल गया होगा टाइटल से। तो चलिए मैं भी आपको फिर से बता देता हूँ कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिनी एटीएम एमपोस में क्या अंतर होता है। मिनी एटीएम लेना चाहिए या एमपोस लेना चाहिए, कौन सी कंपनी की लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, कौन सा मशीन लेने से क्या फ़ायदा है, किसमें कमीशन अच्छा मिलेगा, कौन सी कंपनी से लेना चाहिए, तो सारी चीज़ हमको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आप भी आज भी आपसे गुजारिश करेंगे, आप YouTube पे सर्च करेंगे जीशान मोनिटर, आपको ये चैनल मिल जाएगा, इसको लोगो देख लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सुविधा के अनुसार मैंने आपके काम की बहुत सारी वीडियो यहाँ पर बना दिया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप जाके हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट में जाए और देखें, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो मैंने आपके लिए बना रहे, टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, मनोरंजन के आदि बहुत बहुत सारे वीडियो मैंने आपके लिए पहले से बना दिया हो, तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए और उसका लाभ उठाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बैंकिंग अपनी दुकान को बैंक कैसे बनाए तो यहाँ पर बैंकिंग के बारे में बताया है। और आज के इस वीडियो में बताने वाले मिनी एटीएम और एमपोस के बारे में, मिनी एटीएम एमपोस। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से फिर गुजारिश करेंगे, पहले आपको किस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे हौसला को अब जाहिर करते रहे ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँ और सबसे पहले आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँ। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बताते हैं कौन सा मशीन लेना चाहिए, मिनी एटीएम लेना चाहिए या एमपोस लेना चाहिए। मिनी एटीएम में कमीशन मिलेगा, एमपोस में कमीशन मिलेगा, कितना मिलेगा, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनी एटीएम की। मिनी एटीएम जो मिनी एटीएम में सिर्फ आप डेबिट कार्ड, मतलब आप सिर्फ एटीएम से रुपया निकाल सकते हैं। मिनी एटीएम से आप एटीएम कार्ड से रुपया निकाल सकते हैं। और एमपोस जो होता है, एमपोस मशीन से आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, सारा कार्ड से रुपया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो एमपोस बहुत अच्छा हुआ जिसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों काम करता है। ठीक है, और मिनी एटीएम में सिर्फ आपको डेबिट कार्ड काम करेगा। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हो गया मिनी एटीएम में और एमपोस में क्या अंतर है। मिनी एटीएम में सिर्फ आप एटीएम कार्ड से डेबिट कार्ड से रुपया निकाल सकते हैं और एमपोस से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सभी कार्ड से रुपया निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कमीशन की। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे मालूम है कि मिनी एटीएम में कमीशन मिलता है, एमपोस में कोई कमीशन नहीं मिलता है। मैं किसके आधार पर बता रहा हूँ, ये स्पाइस मनी का मैंने एक मिनी एटीएम एक ओपन कर रखा है इसके अनुसार। ठीक है, स्पाइस मनी के बारे में मैं बताने वाला हूँ, स्पाइस मनी के मिनी एटीएम के बारे में और कौन सा मिनी एटीएम लेना चाहिए। तो मैं आपको सजेशन करूँगा स्पाइस मनी का ही मिनी एटीएम लीजिए। क्यों स्पाइस मनी का ही मिनी एटीएम क्यों लीजिए, मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर स्पाइस मनी का मिनी एटीएम लेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए क्या बेनिफिट है, वो सारा चीज़ यहाँ दिया गया। ऑल कार्ड एक्सेप्ट, सभी कार्ड एक्सेप्ट है, डेबिट कार्ड जितना सारा डेबिट कार्ड इसमें एक्सेप्ट है। और विड्रो लिमिट, आप कस्टमर का एटीएम कार्ड का पर डे का जितना लिमिट होगा उतना रुपया आप निकाल सकते हैं बिना किसी चार्ज का। और यहाँ पे आपको कमीशन मिलने वाला है 10 रुपये तक। ठीक है, और इंस्टेंट सेटलमेंट, तुरंत सेटलमेंट भी अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं विड्रो करने के लिए। सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करना होता है और ये फिलअप करना होगा मोबाइल नंबर, अमाउंट, उसके बाद ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है मिनी एटीएम में आप सिर्फ एटीएम कार्ड का विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि एटीएम कार्ड का जितना भी लिमिट होगा वो सारा लिमिट आप यहाँ पे कर सकते हैं। एटीएम कार्ड का अगर लिमिट होगा एक दिन का 20,000 तो 20,000 निकलेगा, अगर 40,000 लिमिट होगा 40,000 निकलेगा। और कोई चार्ज यहाँ पे आपको नहीं देना होता है और ना ही कोई रेंटल चार्ज यहाँ पे इसमें स्पाइस मनी में आपको देना होता है। मशीन लेने के बाद आपको ना ही कभी भी
मशीन आपको कंपनी वापस करना है, कंपनी ना आपसे कभी मशीन मांगेगी और आपको ना ही मंथली रेंटल कोई चार्ज देना होगा। जब आप मशीन ले लेंगे तो उसके बाद आपको एक भी रुपया कभी भी कंपनी को किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना है और ना ही मशीन वापस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए, सभी प्रकार का डेबिट कार्ड एक्सेप्ट होगा, एटीएम कार्ड का जितना लिमिट होगा उतना आप रुपया निकाल सकते हैं और यहाँ कमीशन आपको 10 रुपये तक मिलेगा। तो कमीशन लिस्ट भी आपको हम दिखाएंगे आगे वीडियो में। उसके बाद इंस्टेंट सेटलमेंट यानी कि तुरंत सेटलमेंट अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। और इसकी मिनी एटीएम की खास बात यह है कि आप इसमें मोबाइल प्लस कंप्यूटर दोनों पर इसको यूज कर सकते हैं। इसकी मिनी एटीएम की खास बात यह है कि आप मोबाइल में ब्लूटूथ के माध्यम से और अपने सिस्टम में आप यूएसबी वायर के माध्यम से कनेक्ट करके आप चला सकते हैं। बहुत सारे मिनी एटीएम ऐसा है जिसमें आप सिर्फ मिनी एटीएम सिर्फ मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके प्लस कंप्यूटर में वायर कनेक्ट करके आप चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिनी एटीएम का बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया है और यहाँ अगर आप लेना चाहते हैं मिनी एटीएम तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप मुझसे ले सकते हैं। और अगर एमपोस लेना चाहते तो चलिए एमपोस के बारे में बात कर लेते हैं। एमपोस क्या होता है? एमपोस मशीन एटीएम मिनी एटीएम जैसा ही दिखने में लगता है, लेकिन उसमें आप क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड दोनों क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों कार्ड यूज कर सकते हैं और कमीशन आपको उसमें भी 10 रुपये तक मिलेगा और सेटलमेंट उसमें भी आप 10 मिले एमपोस में आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। मिनी एटीएम में जिसमें एटीएम कार्ड रहता है सिर्फ उसमें आपको कमीशन मिलेगा और एमपोस जो जिसमें आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। याद समझ गए, मिनी एटीएम में आपको कमीशन भी मिलेगा और एमपोस में आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। एमपोस लेने से सिर्फ एक फ़ायदा, अगर आपके पास कस्टमर क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा आता है तो आप एमपोस लीजिए जिसमें आपको कमीशन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड का कस्टमर ज़्यादा आता है तो आप यहाँ पे मिनी एटीएम लीजिए, क्योंकि मिनी एटीएम आपको कमीशन भी अच्छा मिलेगा, जितना लिमिट होगा उतना कर सकते हैं। एमपोस में भी जितना लिमिट होगा कार्ड का उतना कर सकते हैं विड्रॉ, लेकिन एमपोस में आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ गए आप मिनी एटीएम और एमपोस में क्या अंतर है। मिनी एटीएम में आपको कमीशन मिलेगा, एमपोस में कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। और किस तरह यूज कर सकते वो भी मैंने बता दिया, मोबाइल सिस्टम दोनों पे आप दोनों मशीन को यूज कर सकते हैं। अब मैं बता दूँ, स्पाइस मनी का मिनी एटीएम ही लीजिए। स्पाइस मनी का मिनी एटीएम ही क्यों लीजिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इसमें आपको कोई रेंटल चार्ज नहीं देना होता है, मशीन कभी भी आपसे कंपनी वापस नहीं लेगी, जितना एटीएम कार्ड का लिमिट होगा उतना रुपया निकाल सकते हैं और 10 रुपये तक का आप कमीशन पा सकते हैं। अदर कंपनी के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमीशन भी मिल रहा है और सेटलमेंट भी अपने अकाउंट में तुरंत ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनी एटीएम जो 2000 से ज़्यादा निकालने में चार्ज देना होता है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना होता है। मिनी एटीएम में जितना निकालना आप निकालिए, कोई चार्ज नहीं कटेगा। और सबसे खास बात तो है इसमें रेंटल का, कोई भी रेंटल चार्ज नहीं देना होता है। तो समझ गए मिनी एटीएम एटीएम में क्या फ़र्क है, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। मैं तो सजेशन करूँगा आपको स्पाइस मनी का ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सर्विस मिलता है और इसके अलावा भी मिनी एटीएम के अलावा आपको एपीएस भी मिलेगा, जिसमें एपीएस में आप 3 बैंक के द्वारा एपीएस ये दिया देता है। पहली बात, ये कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा एपीएस देता है, आरबीएल बैंक के द्वारा एपीएस देता है, यस बैंक के द्वारा एपीएस देता है, 3 बैंक के द्वारा एपीएस भी देता है। इसी में आपको मिनी एटीएम के साथ एपीएस भी मिल जाएगा फ्री में और 5 बैंकों के साथ ये आपको मनी ट्रांसफर देता है, यस बैंक, फ्रीडल बैंक, इंडसलैंड बैंक, खुद का इसका एक है फिनो बैंक, 5 बैंक का मनी ट्रांसफर का ये सुविधा देता है। कभी कभी होता है सर्वर डाउन हो जाता है इसका, तो उसका अब उससे कर सकते हैं, इसलिए 5 बैंक के द्वारा मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और 3 बैंक के द्वारा आप एपीएस यूज करके आप कैश विड्रो रुपया जमा निकासी कर सकते हैं। यही था आज के इस वीडियो में, मैंने आपको अच्छे से उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से मिनी एटीएम और एमपोस में क्या फ़र्क होता है वो समझा पाया हूँ, कौन सा लेना चाहिए, ठीक है, और क्या फ़ायदा होता है और सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर अच्छे से समझा पाया हूँगा और समझ गए होंगे आप तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे
चैनल जीशान मॉनिटर की ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चैनल पे आएंगे, यहाँ पे एक व्हाट्सएप आइकन है, व्हाट्सएप आइकन में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं ताकि छोटी मोटी जानकारी आपको व्हाट्सएप तक पहुँचा सको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बता दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।